आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में 30 अप्रैल का दिन क्रांतिकारियों की साहसिक गाथाओं से जुड़ा है। 1908 में 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस वाहन पर हमला कर दिया था जो उनके विचार से मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को लेकर जा रहा था। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध अपने क्रूर फैसलों के कारण क्रांतिकारियों के निशाने पर था। भारतीयों को अमानवीय शारीरिक दंड और यातनाएं देने के कारण भी वो काफी बदनाम था। इसे लेकर लोगों में किंग्सफोर्ड के विरुद्ध बड़ा रोष था और क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया। उस समय किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट के पद पर थे। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों से बचने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल ने अलग नाम अपनाए। खुदीराम ने अपना नाम हरेन सरकार और प्रफुल्ल चाकी ने दिनेश चंद्र रॉय रखा। उन्होंने मजिस्ट्रेट की दैनिक गतिविधियों का जायजा लिया। दोनों क्रांतिकारी 3 सप्ताह से भी अधिक समय तक बड़ी सफलता से अपनी पहचान छिपाए रहे। पहले उनकी योजना अदालत में बम फेंकने की थी, लेकिन बाद में अदालत में मौजूद लोगों के घायल होने की आशंका से उन्होंने इसे बदल दिया। उन्होंने ब्रिटिश क्लब के सामने किंग्सफोर्ड पर हमला करने की योजना बनाई। स्कूली छात्र होने का नाटक करते हुए उन्होंने क्लब के सामने स्थित पार्क का जायजा लिया। 29 अप्रैल की शाम को खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अपने स्थान पर डट गए, लेकिन इस बार एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। अगले दिन 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक अन्य ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ पार्क में आए। शाम को जब दोनों परिवार वहां से जाने लगे तो किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक गाड़ी में तथा श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक समान थीं। जैसे ही गाड़ियां यूरोपियन क्लब के सामने पहुंची, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दौड़ते हुए आए और गाड़ी पर बम फेंक दिया। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और कैनेडी परिवार को गहरी चोटें आईं। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड भाग्यशाली रहा और हमले से बच गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने से बचने के लिए वहां से भाग निकले। पुलिस ने खुदीराम को समस्तीपुर जिले के वैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मारकर आत्मोत्सर्ग कर दिया।